What are the best cream for pigmentations? Daily कितने ही लोग ये पूछते हैं। कुछ लोग तो क्रीम्स के पैकेट और बंडल्स लेके आते हैं, इनमें से इतनी सारी मैंने यूज कर ली है, कोई काम नहीं कर रही। तो आज आपको मैं कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप अपनी पिगमेंटेशन क्रीम खुद ही सेलेक्ट कर पाएंगे। ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स बताऊंगा, जब भी आप पिगमेंटेशन रिडक्शन क्रीम लेने जाते हैं तो उसके कार्टन के बैक साइड पर आप जस्ट पढ़ लीजिए कि ये सब उसमें है या नहीं है। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी बताऊंगा जो आपस में कभी मिक्स नहीं करने चाहिए। पिगमेंटेशन जिससे सभी परेशान हैं, जेनेटिक भी हो सकता है, मेलेजमा भी हो सकता है, इट कैन बी पोस्ट इन्फ्लेमेटरी, जैसे एक्ने, जो पोस्ट पिंपल मार्क्स होते हैं, डार्क स्पॉट्स होते हैं, या फिर सन टैनिंग हो, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो, लैक ऑफ स्लीप हो, हज़ारों कारण है पिगमेंटेशन होने के। और इसीलिए सभी लोग लगे रहते हैं उन कारण को ढूंढने में और पिगमेंटेशन क्रीम्स लगाने में। तो जब पिगमेंटेशन इतना परेशान कर रहा है तो फिर हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करें अपने फेस पर, ऐसे कौन से क्रीम्स प्रोडक्ट यूज़ करें जो कि हमारा फेस थोड़ा सा लाइट हो जाए, कॉम्प्लेक्शन में सुधार आ जाए, पिगमेंटेशन कम हो जाए और हम देखने में बहुत ही खूबसूरत लगने लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रोडक्ट से। तो हमारा पहला इंग्रेडिएंट है ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड वेरियस स्ट्रेंथ्स में अवेलेबल है। आप स्टार्ट करें लो स्ट्रेंथ से, ग्रेजुअली धीरे धीरे ऊपर बढ़ें। और ग्लाइकोलिक एसिड काम कैसे करता है? ग्लाइकोलिक एसिड स्किन के जो एपिडर्मिस होती है उसके थ्रू अंदर बेसल लेयर तक जाता है और वहाँ पर न्यू स्किन फॉर्मेशन को वो स्टिमुलेट करता है और साथ ही साथ अपर डेड स्किन सेल्स को भी रिमूव करता है। तो इसी तरह से वो पिगमेंटेशन के लेयर को रिमूव कर देता है और न्यू स्किन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। So glycolic acid is a very good product and it is mainly used for any kind of pigmentation like post-inflammatory pigmentation like acne के marks के लिए use कर सकते हैं। Even आप इस pigmentation melasma की जो pigmentation है इसमें भी आप इसको use कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है एजेलिक एसिड। एजेलिक एसिड भी बहुत सारी स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और 5%, 10%, 15%, 20% ऑल स्ट्रेंथ्स आर अवेलेबल। स्टार्ट विद लो एंड ग्रेजुअली प्रोग्रेस टू द हेवियर स्ट्रेंथ। और एजेलिक एसिड स्पेशली यूज होता है पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन में, जैसे कि पोस्ट एक्ने मार्क्स। और एजेलिक एसिड टायरोसिनेज एक एंजाइम होता है, उसकी एक्टिविटी को कम कर देता है। टायरोसिनेज जब इनहिबिट हो जाएगा तो मेलेनिन फॉर्मेशन कम हो जाएगा, तो डेफिनेटली पिगमेंटेशन कम हो जाएगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। और खास बात एजेलिक एसिड की ये है, ये प्रेगनेंसी में सेफ है। जो प्रेगनेंट लेडीज हैं जिनको हार्मोनल मेलेस्मा हो जाता है उनके लिए एजेलिक एसिड बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज वाइटामिन सी। वाइटामिन सी के सिरम्स भी आते हैं, क्रीम्स फॉर्म में भी आता है। और वाइटामिन सी टायरोसिनेज की एक्टिविटी को कम करता है, जो एंजाइम है मेलेनिन प्रोडक्शन के लिए, और उसकी एंजाइम की एक्टिविटी को कम करता है। दूसरा फोटो प्रोटेक्शन के लिए भी हेल्पफुल है, जैसे सनलाइट होती है आपको उससे भी बचाता है और साथ में कोलेजन फॉर्मेशन भी करता है, तो आपको एक एंटी एजिंग इफेक्ट भी देता है। और विटामिन सी मॉर्निंग, नाइट कभी भी आप यूज़ कर सकते हैं। किसी भी क्रीम से आप पहले एक विटामिन सी सीरम लगा सकते हैं। इट इज़ सेफ सीरम एंड इट सूट्स मोस्टली ऑल काइंड ऑफ पिगमेंटेशन। Our next ingredient is kojic acid. It is derived from a fungus actually. और ये एक versatile anti pigmentation agent है जो कि बहुत सारी pigmentations में use किया जाता है। Even कहें तो ऑल काइंड ऑफ पिगमेंटेशन में आप कोजिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हो, हार्मोनल हो, मलेजमा हो, सनबर्न हो, या सन इंड्यूस्ड पिगमेंटेशन हो, या फिर वो न्यूट्रिशनल पिगमेंटेशन हो, या फिर एनी काइंड ऑफ पिगमेंटेशन यू कैन फ्रीली यूज कोजिक एसिड। जो पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं उन्हें बोलते हैं मेलेनोसाइट्स, और मेलेनोसाइट्स के अंदर होते हैं मेलेनोसोम्स, कुछ ग्रैन्यूल्स होते हैं, और उसके अंदर होता है मेलेनिन पिगमेंट। और ये जो ग्रैन्यूल्स हैं जब वो बस्ट हो जाते हैं, जब बाहर आते हैं, तो वो स्किन में अपना पिगमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और यहीं पर काम करता है नियासिनामाइड, जो कि हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है। इन ट्रांसफर ऑफ मेलेनोसोम्स को वो रोक देता है। और नियासिनामाइड बहुत सारी स्किन कंसर्न्स में काम आता है, चाहे वो एंटी एजिंग हो, चाहे वो पिगमेंटेशन हो, अनइवन स्किन हो, या फिर वो फाइन लाइन और पोस्ट एक्ने मार्क्स, डार्क स्पॉट, एनीथिंग। तो नियासिनामाइड इज अ वेरी वर्सेटाइल प्रोडक्ट। यू कैन यूज इट लाइक इन मॉर्निंग, इवनिंग, एनी टाइम विद एनी अदर मेडिसिन ऑल्सो। दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है, वो है आर्बुटिन। आर्बुटिन इज ऑल्सो अ वेरी वर्सेटाइल प्रोडक्ट और इट कैन बी यूज्ड इन ऑल द इंडिकेशंस। किसी तरह की भी पिगमेंटेशन हो, आप आर्बुटिन को यूज़ कर सकते हैं, और ये कॉम्बिनेशंस में बहुत अच्छा काम करता है। तो आर्बिटिन आप देखेंगे कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें आर्बिटिन कहीं ना कहीं ऐड अप होता है। तो आर्बिटिन यूजुअली कॉम्बिनेशंस में बहुत अच्छा काम करता है, इवन इन द रेजिस्टेंट पिगमेंटेशन लाइक मेलास्मा आल्सो। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज रेटिनॉल, जो कि विटामिन ए का डेरिवेटिव है। ये स्किन का टर्नओवर रेट बढ़ाता है और जिसकी वजह से स्किन फॉर्मेशन फास्ट होती है, डेड स्किन सेल्स हट जाते हैं, और इसी तरह से पिगमेंटेशन भी धीरे धीरे लेयर वाइज हट जाता है। सो रेटिनॉल इज ऑल्सो अ वेरी गुड प्रोडक्ट, और आप यूज़ कर सकते हैं रेटिनॉल को सिर्फ रात में। डेट के लिए ये फोटो सेंसिटिव होता है, आपकी स्किन की फोटो सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, तो दिन में सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करनी होगी अगर आप रेटिनॉल नाइट में यूज़ करते हैं। तो आपने देखा ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि होने चाहिए किसी भी पिगमेंटेशन क्रीम के अंदर, और आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं बेस्ट क्रीम फॉर योरसेल्फ। और अब हम बात करेंगे ऐसे कौन कौन से पेयर्स हैं, कौन कौन से कॉम्बिनेशन हैं जो बिल्कुल साथ में नहीं यूज़ करने चाहिए। नंबर 1 है विटामिन सी विद रेटिनॉल। आप सेम टाइम पे कभी ना यूज़ कीजिए, बिकॉज विटामिन सी एक एसिडिक प्रोडक्ट है, रेटिनॉल इटसेल्फ इज वेरी एसिडिक प्रोडक्ट, और दोनों जब एसिडिक प्रोडक्ट मिलेंगे तो आपकी जो स्किन की एसिडिटी भी डेफिनेटली बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से ड्राइनेस हो जाएगी, स्किन पील ऑफ भी हो सकती है, स्किन इरिटेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपको यूज़ करने हैं तो आप मॉर्निंग में यूज़ कीजिए विटामिन सी, इवनिंग में रेटिनॉल, या फिर ऑल्टरनेट ट्यूजडे, थर्सडे, सैटरडे विटामिन सी, एंड मंडे, वेंसडे, फ्राइडे रेटिनॉल। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, और रेटिनॉल के साथ आप सनस्क्रीन मॉर्निंग में ज़रूर यूज़ करें। नेक्स्ट हमारा जो कॉम्बिनेशन है जो हमें बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहिए वो है ग्लाइकोलिक एसिड के साथ विटामिन सी। सो ये दोनों भी सिमिलर मैकेनिज्म की वजह से एसिडिक प्रोडक्ट हैं दोनों ही, तो हम उनको भी अवॉइड करने की कोशिश करें। और थर्ड हमारा जो पेयर है जो बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहिए वो है रेटिनॉल विद ग्लाइकोलिक एसिड। तो दैट विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन। वो डेफिनेटली आपकी स्किन की ओवर पीलिंग कर देगा, और आप इरिटेटेड, ड्राई, और इवन एस्टियोटोटिक डर्मेटाइटिस और रिएक्शंस के चांसेस बढ़ जाएंगे, रेडनेस भी हो सकती है। तो ग्लाइकोलिक एसिड विद रेटिनॉल्स अवॉइड करें, अपने आप यूज़ करना आप, अनलेस कि कोई आपको डर्मेटोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करे, क्योंकि इसके यूज़ करने के बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो दोस्तों, हमने जाना कि आज कैसे अपना पिगमेंटेशन कम कर सकते हैं और अपने लिए कैसे एक बेस्ट क्रीम सेलेक्ट कर सकते हैं। बट एक बात का आप ध्यान डेफिनेटली रखें कि जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ करें उसको कंसिस्टेंटली यूज़ करें, कुछ समय दें, जल्दबाजी ना करें कि 10-15 दिन यूज़ करके उसको फेंके ना। एटलीस्ट 3 मंथ्स दीजिए एक किसी भी एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट को अपना रिजल्ट शो करने के लिए, और धीरे धीरे आपका पिगमेंटेशन कम होगा और यू विल फील हैप्पी दैट आपने घर में बैठ के ही अपना पिगमेंटेशन कम कर दिया। सो दिस इज एनफ फॉर टुडेज वीडियो। सो विल बी कमिंग विद अनदर वीडियो मे बी नेक्स्ट वीक। सो do like and subscribe our channel. Thanks a lot and thanks for watching.